ये कहानी शीतल नाम की एक लड़की की है। शीतल अपने मौसा और मौसी के साथ रहती थी। शीतल के माता पिता का निधन कुछ वर्षों पहले हो गया था। शीतल की अच्छी परवरिश के लिए उसके मौसा और मौसी उसे अपने साथ अपने घर ले आए। शीतल की मौसी और मौसा तो उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी मौसेरी बहन रीवा उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। रीवा को ऐसा लगता था कि जब से शीतल उसके घर में आई है उसका प्यार कम हो गया है, इसलिए वो शीतल से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन शीतल के मौसा जी बाजार से एक फ्रॉक लेकर आते हैं। अरे शीतल बेटा, कहाँ हो? शीतल तुरंत वहाँ पर आती है। अपने पिता की आवाज़ सुनकर रीवा भी वहाँ पहुँच जाती है। शीतल बेटा, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हारे घर पर छूट गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ। बताओ तुम्हें कैसी लग रही है? ये फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत है मौसा जी, शुक्रिया, आप मेरे लिए इतनी अच्छी फ्रॉक लेकर आए। तभी वहाँ खड़ी रीवा अपने पिता से कहती है, पापा आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? बेटा तुम्हारे पास तो दुनिया भर के कपड़े पड़े हुए हैं, तुम पहनती कहाँ हो, और तुम्हें मेरे लाए हुए कपड़े पसंद भी नहीं आते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम खुद खरीद लोगी। रीवा अपने पिता का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर गुस्से में खुद से ही बड़बड़ाने लगती है। जब से ये शीतल की बच्ची मेरे घर आई है तब से मेरा सारा प्यार उसको मिलने लगा है। कोई मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, सबको बस शीतल की पड़ी रहती है। हाँ। रीवा गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर खाना लेकर उसकी माँ आ जाती है और कहती है, ये लो बेटा खाना खा लो, आज तुम खाना खाने बाहर नहीं आई, इसलिए तुम्हारा खाना मैं तुम्हारे रूम में ले आई। मुझे नहीं खाना खाना वाना, ले जाकर उस शीतल की बच्ची को खिला दो। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा ना बोलूं तो और क्या करूं? जब से वो इस घर में आई है सब बस उसी को प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आज पापा भी सिर्फ उसके लिए ही फ्रॉक लेकर आए, मेरे लिए लेकर नहीं आए, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अच्छा जी, तो मेरी रानी बेटी इस कारण गुस्सा है। बेटा शीतल के माता पिता का अभी देहांत हुआ है, इस समय वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए हम उसको इतना प्यार दे रहे हैं ताकि वो अपने माता पिता को याद ना कर सके। ठीक है, खाना रख कर चली जाइए, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। शीतल के प्रति रीवा का ऐसा व्यवहार देखकर रीवा की माँ बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से कहती है, आपको नहीं लगता जब से शीतल हमारे घर में आई है रीवा कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती है? आज उससे बात करके ऐसा लगा जैसे वो शीतल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, ये बात मैंने भी नोटिस की है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा दो, रोजाना एक साथ आना जाना करेगी तो खुद ही दोनों में दोस्ती बढ़ जाएगी। हाँ तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं कल ही शीतल का एडमिशन रीवा के स्कूल में करवा दूंगा। अगले दिन रीवा का पिता रीवा के स्कूल में ही शीतल का एडमिशन करवा देता है। जब ये बात रीवा को पता चलती है तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच जाता है। वो गुस्से में घर आती है और चिल्लाते हुए अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आपको किसने कहा था शीतल का मेरे स्कूल में एडमिशन करवाने को, और वो भी मेरी ही क्लास में? हाँ जी, अब तुम दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाई करोगी और आना जाना भी एक साथ ही करोगी, समझी तुम? आपने ये बहुत गलत किया है मम्मी, बहुत गलत। रीवा की माँ और पिता ने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। एक ही स्कूल में दोनों का एडमिशन करवा देने की वजह से रीवा शीतल से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। एक दिन रीवा ने शीतल के फेस वॉश में कुछ मिला दिया। जब शीतल ने फेस वॉश से अपना मुंह धोया तो वो बहुत काली भद्दी और बदसूरत दिखने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मौसी मौसी जल्दी इधर आओ, देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया है। शीतल की मौसी भागती हुई शीतल के पास आती है और शीतल का ऐसा रूप देखकर डर जाती है। बेटा तेरा चेहरा बहुत बुरा दिख रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो गया? पता नहीं मौसी। कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। शीतल की मौसी उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। ब्लड में इन्फेक्शन बताकर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि शीतल का चेहरा ठीक होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। ये सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है
पर अब वो कर भी क्या सकती थी। मौसी और शीतल दोनों घर आ जाते हैं। रीवा मन ही मन शीतल को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसी तरह धीरे धीरे मैंने तेरी जिंदगी नर्क ना बना दी, तो मेरा नाम भी रीवा नहीं। रीवा के मन में शीतल के लिए बहुत नफरत हो गई थी। वो शीतल को एक आंख नहीं देखना चाहती थी। अगले दिन जब शीतल और रीवा स्कूल गए तो सभी बच्चे शीतल को देखकर उसका मजाक बनाने लगे। उन सभी बच्चों के साथ रीवा भी बहुत मजे ले रही थी। ये सब देख शीतल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक से क्लास में टीचर आती है और कहती है, सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुन लें। 2 दिन बाद हमारी क्लास पिकनिक पर जा रही है, इसलिए सभी बच्चे NOC लिखकर अपने अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा लेंगे। कल सभी को NOC जमा करवानी है। ऐसा कहकर टीचर चली जाती हैं। सभी बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। रीवा और शीतल भी बहुत खुश थी। दोनों घर जाती हैं। रीवा खुशी खुशी अपने मम्मी पापा को पिकनिक की बात बताती है। ये जानकर रीवा के माता पिता बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शीतल, तुम भी जा रही हो ना पिकनिक पर? मेरा जाने का तो बहुत मन है मासी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आज स्कूल में बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। पिकनिक में भी वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। अरे बेटा, जो बोलता है उसे बोलने दो। कौन सा तुम्हारा चेहरा परमानेंट खराब हो गया? डॉक्टर ने कहा है ना, 1-1.5 साल में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें रीवा के साथ पिकनिक पर जाना ही होगा। क्यों जी, मैंने सही कहा ना? हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी चाहता हूँ कि शीतल भी पिकनिक पर जाए। अपने मौसा मौसी के कहने पर शीतल पिकनिक पर जाने के लिए मान जाती है। इस बार रीवा को गुस्सा नहीं आया था। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, ये पिकनिक मैं तेरे जीवन का आखिरी पिकनिक बना दूंगी। 2 दिन बाद रीवा और शीतल पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल जाने के बाद सभी बच्चों को बस में बिठाया जाता है। थोड़ी देर बाद वो सभी अपनी पिकनिक वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। वाओ, ये जगह कितनी खूबसूरत है। इस जगह के साथ साथ यहां बैठे सभी बच्चे भी कितने खूबसूरत हैं, सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम तो बहुत बुरी दिखती हो। रीवा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो जानती हो ना, मैं बचपन से ऐसी नहीं हूँ। रीवा शीतल का कोई जवाब नहीं देती और पिकनिक का आनंद उठाने लगती है। तभी रीवा को एक कुआं दिखाई देता है जो बहुत गहरा था। उस कुएं को देखकर रीवा के मन में ख्याल आता है, ये कुआं परफेक्ट है, मैं शीतल को किसी बहाने से यहाँ लेकर आती हूँ और इस कुएं में धक्का दे दूंगी और मम्मी पापा से कह दूंगी कि उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो कुएं में गिर गई और मर गई। ये सही रहेगा। रीवा किसी बहाने से शीतल को कुएं के पास लेकर आती है और उसे कुएं के अंदर धक्का दे देती है। शीतल मदद की बहुत गुहार लगाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करता। शीतल कुएं के अंदर गिर जाती है। रीवा बहुत खुश होती है और सोचती है, फाइनली मेरी जिंदगी से ये चली गई, अब मेरे माता पिता का प्यार सिर्फ मेरा होगा। पिकनिक खत्म हो जाने के बाद सारे बच्चे बस में बैठकर घर चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ शीतल को जब होश आता है तो वो अपने आप को किसी अजीब सी जगह पर पाती है। ये कौन सी जगह है? जहाँ तक मुझे याद है मैं तो एक कुएं में गिर गई थी, फिर ये जगह। तभी शीतल के सामने एक देवी प्रकट होती है और कहती है, शीतल, इस कुएं के अंदर एक दुनिया बसी हुई है जिस कुएं में तुम गिरी, या फिर ऐसा कहो कि तुम्हें गिराया गया। वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं था, तुम अभी भी उस कुएं के अंदर ही हो। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप कौन है मुझे ये भी नहीं पता। बेटा, तुम्हारी बहन ने तुम्हें एक कुएं में धक्का दे दिया था, तुम उसी कुएं के अंदर हो। ये मेरी दुनिया है, मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम जानती हो। तुम्हारी शक्ल इतनी खराब तुम्हारी बहन की वजह से हुई है, उसने तुम्हारे फेस वॉश में कुछ केमिकल मिला दिया था। क्या सच में? लेकिन रीवा मुझे नापसंद क्यों करती है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? उसको लगता है कि जब से तुम उसके घर में रहने लगी हो, उसके माता पिता का प्यार उसके प्रति कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, मौसा मौसी मुझे जितना प्यार करते हैं
उतना ही उसको भी करती हैं। लेकिन ये बात रीवा नहीं समझती। तो मैं क्या करूं देवी, आप ही मेरी मदद कीजिए। देवी वहां पर जादुई तीन रंग बिरंगी फ्रॉक प्रकट करती है और कहती है, इसमें से एक फ्रॉक तुम जैसे ही पहनोगी तुम बेहद खूबसूरत हो जाओगी, और ये तीनों फ्रॉक हर समय तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम इन तीनों से कुछ भी मांग सकती हो। शीतल तुरंत उन फ्रॉकों से कहती है, हे जादुई तीन फ्रॉक, मुझे मेरे घर छोड़ दो। शीतल के ऐसा कहते ही तीनों फ्रॉक के साथ वो हवा में उड़ने लगती है और कुएं के अंदर से निकलकर वो सीधा अपने घर चली जाती है। घर में शीतल को देखकर रीवा घबरा जाती है। तब शीतल रीवा से कहती है, तुम घबराओ मत रीवा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। रीवा वहां से चली जाती है। तब शीतल जादुई फ्रॉक से कहती है, हे फ्रॉक, कुछ ऐसा जादू करो कि मेरी बहन मुझसे प्यार करने लगे। तभी तीनों फ्रॉक से शक्ति निकलती है और वो शक्तियाँ एकजुट होकर रीवा में समा जाती है। एकदम से रीवा की मन में शीतल के लिए प्यार आ जाता है और वो शीतल के पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगती है। शीतल रीवा को अपने गले से लगा लेती है। ये नज़ारा उसके मौसा मौसी भी देख रहे थे। दोनों बहनों में प्यार देखकर वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। फिर मौसी शीतल से उसकी खूबसूरती का राज पूछती है। तो शीतल जादुई फ्रॉक की सारी कहानी अपने मौसा मौसी और बहन को बताती है। इस तरह वो सारा परिवार चमत्कारी कुएं के रंग बिरंगे तीन फ्रॉक के कारण खुशी खुशी रहने लगता है। बादलों में जादुई नेकलेस और प्रेस का घर। परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उसी परीलोक में एक सोनल नाम की परी रहती थी। सोनल परी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक बार की बात है, सोनल परी अपनी दोस्त मेनका परी के साथ बैठी हुई थी। तभी मेनका परी सोनल परी से कहती है, क्यों सोनल परी, तुम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर तो मुझसे भी ज्यादा शक्तियाँ मौजूद है, तो तुम क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकती हो जिससे सभी परियाँ आराम से इसी परीलोक में रहे, क्योंकि उन्हें सामान खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है और इससे हम सबको अपने दुश्मनों से खतरा भी रहता है कि कहीं वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अरे, इसमें नुकसान पहुंचाने की क्या बात है, हम परियां हैं और हम तो हर जगह घूमते ही रहते हैं। यदि हम परीलोक में ही रहेंगे तो हमें बाहर की दुनिया का पता कैसे चलेगा। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर यदि हम लोग ज्यादा बाहर जाएंगे तो हम लोगों पर हमारे दुश्मन हमला भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, तुम लोगों को बस कपड़े और सामान लेने के लिए ही तो बाहर जाना पड़ता है। वैसे तो सारी परियां परीलोक में ही रहती है, या फिर कोई मदद के लिए पुकारे तो बाहर जाना पड़ता है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। वैसे मैंने तुम्हारे पास एक नेकलेस देखा है, वो नेकलेस और तुम्हारे पास जो प्रेस है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तुम बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर नहीं बना सकती हो? क्यों नहीं, हाँ हाँ जरूर, मैं बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर बना सकती हूँ, पर तुम लोग उसका क्या करोगे? इससे ये होगा कि हम लोगों को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो हम लोग उन्हें बादलों में बने नेकलेस और प्रेस के घर से सामान ले सकते हैं, क्योंकि वो घर तो जादुई होंगे ना। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। यदि तुम लोगों की इसी में खुशी है तो मैं बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर जरूर बनाऊंगी। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहती है। इसके बाद सोनल परी मेनका परी से कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं जल्दी तुम लोगों के लिए बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर बनाऊंगी, जिससे तुम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी और हमारे दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद वो दोनों परियां अपने अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद सोनल परी अपने जादुई नेकलेस और प्रेस को देखती है। ये नेकलेस और प्रेस उसे रानी माँ ने दिए थे और इसमें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी, पर रानी माँ के गुजर जाने के बाद उसने इन सब को बड़ा ही संभाल के रखा था, क्योंकि रानी परी को उनके दुश्मनों ने मार दिया था और उन्हीं दुश्मनों में एक परीलोक की परी भी शामिल थी जिसका नाम रीमा परी था।
इसके बाद सोनल पर ये नेकलेस और प्रेस को रख देती है और फिर वो अपने आप से कहती है, मुझे इन दोनों को बड़ा ही संभाल कर रखना होगा क्योंकि इन दोनों की मदद से ही मैं बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर बनाऊंगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन की बात है, सोनल परी अपने घर पर बैठी हुई होती है, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी लोक पर कोई उसे मदद के लिए बुला रहा हो और सोनल परी उस आवाज को सुनकर पृथ्वी लोक के लिए निकल जाती है। पृथ्वी लोक पर पहुंचने के बाद सोनल परी देखती है कि एक लड़की उसे पुकार रही थी जो कुएं के पास खड़ी हुई थी। जब वो उस लड़की के पास जाती है तो लड़की सोनल परी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लड़की सोनल परी से कहती है, मेरा नाम साक्षी है और मैं ही आपको पुकार रही थी क्योंकि मेरे माता पिता इस कुएं में गिर गए हैं और आप उन्हें निकाल दीजिए क्योंकि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब हैं पर इसी मजबूरी में मुझे आपको बुलाना पड़ा। जब सोनल परी साक्षी की बात सुनकर कुएं में देखती है तो वो उसके माता पिता को उस कुएं से निकाल देती है। साक्षी के माता पिता को कुएं से निकालने के बाद सोनल परी साक्षी से कहती है, अब तुम लोग कभी भी गरीब नहीं रहोगे क्योंकि इसी गरीबी की वजह से आज तुम्हारे माता पिता मरने के कगार पर थे और मैं उसी गरीबी को मिटा दूंगी। और ये कहकर वो साक्षी को बहुत सारे सोने के सिक्के देती है जिसे पाकर साक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सोनल परी परीलोक में वापस आ जाती है। जब वो परीलोक आती है तो देखती है कि वहाँ पर रीमा परी ने हमला कर दिया है और ये देखकर सोनल परी को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो रीमा परी से कहती है, रुक जाओ रीमा परी, पहले तुमने हमारी रानी परी को हमसे छीन लिया और अब तुम परीलोक को नष्ट करने के लिए आ गई। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगी। सोनल परी को देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस पर रीमा परी सोनल परी से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पहले मैंने तुम्हारी रानी माँ को मार दिया क्योंकि मैं रानी परी बनना चाहती थी और अब इस परीलोक को नष्ट करके मैं इस पर राज करूंगी। तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि जिसने मेरी परी माँ को मारा है मैं उसे परीलोक की रानी परी कभी भी नहीं बनने दूंगी। तो फिर ठीक है, तुम भी मरो क्योंकि मैं इस परीलोक की रानी परी बनकर ही रहूंगी और इसके लिए जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन्हें भी मार दूंगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। और ये कहकर सोनल परी वहाँ से तेजी से भागकर चली जाती है। सोनल परी को भागता हुआ देखकर रीमा परी बहुत तेज तेज हंसने लग जाती है और वो उन सारी परियों से कहती है, देखो तुम्हारी परी किस तरह भाग रही है। तुम लोग तो सोच रही थी कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी पर ये तो भगोड़ी निकली। और ये कहकर रीमा परी बहुत तेज तेज हंसने लगती है। तभी वहाँ पर सोनल परी वापस आ जाती है और अपनी शक्तियों से बादलों में दो घर बनाती है जिसमें एक घर नेकलेस का होता है और दूसरा घर प्रेस का, जिसे देखकर मेनका परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मेनका परी समझ जाती है कि अब सोनल परी क्या करने वाली है और वो रीमा परी से कहती है, तुमने क्या समझा था कि सोनल परी चली गई है? तो सुनो, वो गई नहीं थी बल्कि वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए भागी थी। अब तुम देखो सोनल परी तुम्हारे साथ क्या करती है। और ये कहकर मेनका परी मुस्कुराने लगती है। तभी सोनल परी अपनी शक्तियों से रीमा परी पर हमला कर देती है। अपने बचाव में रीमा परी भी सोनल परी पर हमला कर देती है, पर सोनल परी के पास वो जादुई नेकलेस होता है और वो नेकलेस सोनल परी रीमा परी के गले में डाल देती है जिससे रीमा परी वही जलकर राख हो जाती है। ये देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मेनका परी सोनल परी से कहती है, मुझे पता था तुम यही करोगी, तभी तुम यहाँ से गई थी। इसके बाद सोनल परी सारी परियों से कहती है, मैंने तुम लोगों के लिए बादलों में नेकलेस और पर्स का घर बनाया है, अब तुम लोगों को जिस किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो तुम्हें इन्हीं घरों से लेना है। तुम्हें हर वो चीज इन्हीं घरों में मिल जाएगी
जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। ये सुनकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोनल परी भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने परी माँ का बदला ले लिया। इसके बाद सभी परियां खुश होकर परीलोक में रहने लगती है। और अब मेनका परी भी बहुत खुश थी कि बादलों में सोनल परी ने नेकलेस और प्रेस का जादुई घर बना दिया था।